जो टिकट है देवेंद्र जी को मिली है, टिकट कटी है? अब टिकट कटने का तो हमें पता नहीं है, और जो नरेंद्र जी मोदी करते हैं ना, वो किसी को की कर सकते हैं, उसका कोई बात आप हम कह नहीं सकते। जो आज भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया था, किसी को पता था क्या कि आज भजनलाल जी को पिछली पंक्ति में बैठे थे, उनको आगे ले आके मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इसीलिए ये झाझड़िया जी को ले आए, राहुल जी को ले आए, ये बात को हम नहीं कह सकते हैं। हम कहते हैं कि जो भी लोकसभा में चुनाव है, वो चुनाव 2500 सीटें हमारे नरेंद्र जी मोदी जीतेंगे। अनुसार हमारा निशान और आम जनता अनुसार है कमल का निशान। कमल का जो निशान है वही उम्मीदवार है, और यही मोदी जी के लिए लगता है, और यही राहुल जी कस्बा के लिए लगता है, यही देवेंद्र झाझड़िया लगता है। विकास के मामले में राहुल जी कस्बा मुकाबला नहीं है। देवेंद्र झाझड़िया नहीं आए हैं, युवा है, मेहनती है, और खेल की दुनिया में नाम कमाया है, भाजपा के साथ है, भाजपा साथ रहेंगे। यदि राहुल कस्बा कांग्रेस से खड़े हो जाते हैं तो क्या लगता है कि किसी तरह का कोई फर्क पड़ता है चुनाव में? नहीं, जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी के साथ ही रहेगा, हम पूल के साथ रहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, बीजेपी ने अपनी टिकट भी यहां घोषित कर दी है। जो पिछले 10 साल से यहां मौजूद थे राहुल कस्बा, उनकी टिकट काटकर देवेंद्र जी झाझड़िया को टिकट यहां से उम्मीदवार बनाया। आइए बात करते हैं कितना किस तरह से देखते हैं, ये किस तरह से देखते हैं कि जो टिकट है देवेंद्र जी को मिली है, टिकट कटी है? अब टिकट कटने का तो हमें पता नहीं है, और जो नरेंद्र जी मोदी करते हैं ना, वो किसी को की कर सकते हैं, उसका कोई बात आप हम कह नहीं सकते। जो आज भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया था, किसी को पता था क्या कि आज भजनलाल जी को पिछली पंक्ति में बैठे थे, उनको आगे ले आके मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इसीलिए ये झाझड़िया जी को ले आए, राहुल जी को ले आए, ये बात को हम नहीं कह सकते हैं। हम कहते हैं कि जो भी लोकसभा में चुनाव है, वो चुनाव 2500 सीटें हमारे नरेंद्र जी मोदी जीतेंगे, और इसका ये कारण है कि नरेंद्र मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, और ये जय श्री राम का नारा लगा है, इसमें ये मोदी आएंगे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार करेंगे। टिकट किसी को भी मिले, किसी तरह मानते हो कि नुकसान होगा या फायदा होगा? अनुसार हमारा निशान और आम जनता अनुसार है कमल का निशान। कमल का जो निशान है वही उम्मीदवार है, और यही मोदी जी के लिए लगता है, और यही राहुल जी कस्बा के लिए लगता है, यही देवेंद्र झाझड़िया लगता है, क्योंकि जो निशान है कमल का वो हमारा फूल का निशान और मोदी जी का निशान है। और मोदी जी जो कार्य किया है 4-5 सालों में, उस कार्य की बदौलत और जो उन्होंने विकास किया है, देश का नाम जो आज दुनिया में रोशन किया है, उसके बलबूते पर मोदी जी को वोट मिलेंगे और मोदी जी के नाम पे कमल खिलेगा। पूरा देश और पूरा विश्व आज मोदी जी के नाम से पहचान चाहता है और चुरू पहचाना चाहता है। देवेंद्र जी को टिकट मिला है, किस तरह से देखते हैं कि देवेंद्र जी को टिकट मिला है, किस तरह से देखते हैं, कितनी भारी रहेंगे जो अन्य उम्मीदवार हैं उनके ऊपर? विकास के मामले में राहुल जी का कस्बा मुकाबला नहीं है। देवेंद्र झाझड़िया नहीं आए हैं, युवा है, मेहनती है, और खेल की दुनिया में नाम कमाया है, भाजपा के साथ है, भाजपा साथ रहेंगे, यही बात है। किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छे से देखते हैं, जो खिलाड़ी है हमें बाहर से बहुत अच्छे से जानते हैं, युवा साथी है उनको, देवेंद्र झाझड़िया को भी जानते हैं, और मोदी जी जो टिकट दी है सोच समझ कर दी है, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो नया चेहरा आ सके, और हम कमल का फूल के साथ पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। देखो टिकट किसी को भी मिले, फूल को टिकट मिली है, और देवेंद्र जी झाझड़िया जो है उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, और गोल्ड मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, पद्म भूषण जीते हैं, तो हमें आशा है और उम्मीद है कि वो देश का नाम, देश की सेवा बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। चूरू से टिकट कटी है राहुल कस्बा की, और यदि वो कांग्रेस से खड़े होते तो किस तरह से देखते कि नुकसान होगा या टक्कर होगी? देखिए ये उनका स्वयं का विवेक है, बाकी भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार से हमारे पद्म विभूषण और खेलों में भारत का नाम रोशन करने वाले ऐसे देवेंद्र जी झाझड़िया को जिस प्रकार से आदरणीय पार्टी ने मौका दिया है, निश्चित रूप से चूरू के विकास में स्वर्णिम पद लगेंगे, स्वर्णिम रूप से चूरू आगे और विकास करेगा, जिस प्रकार से चूरू का डेवलपमेंट, चूरू का काम आगे जिस निरंतर रूप से चलता रहा है उसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो क्या लगता है कि जो देवेंद्र झाझड़िया हैं? बिल्कुल, देखिए आप जिस प्रकार से अब की बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में है,
और ये 400 पार का नारा इस रूप से ही संभव हो पाएगा कि देवेंद्र जी झाझड़िया अब की बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतकर लोकसभा में जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ता लगता है कि यदि टिकट कटो ना कटो नया टिकट चेहरा आएगा सामने। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं जो अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को फायदा दे रही है, लाभ दे रही है, उन योजनाओं के बल पर, भारत के विकास के बल पर, इन सभी बातों को लेकर, अपने राष्ट्रहित की बातों को लेकर आगे जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और ये जो हमारा जीत का मार्जिन है वो भी बढ़ेगा और 400 पार का नारा संभव होगा। क्या लगता है कि जो टिकट कटा है किसी तरह की कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है इस प्रकार का जिसमें कार्यकर्ता को किस रूप में प्रयोग करना है, किस रूप में कार्यकर्ता का काम लेना है पार्टी ये पार्टी नियत करती है, तय करती है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन के प्रति समर्पित रहता है, हम सब संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को अपना जो कैंडिडेट बनाकर भेजा है हम उसके साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो किसी पद की लिप्सा में नहीं रहता नहीं है, राष्ट्र की सेवा किस प्रकार से की जाए वैसी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो मैं समझता हूँ कि देवेंद्र जी झाझड़िया हैं वो ऐतिहासिक मतों से चूरू लोकसभा क्षेत्र से विजय श्री को प्राप्त करेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम पुनः देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करेंगे। इस तरह से देखते हैं जो टिकट कटी है और अब नया चेहरा सामने है, अचानक जो चेहरा सामने आया है कि देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया गया। देखिए टिकट कटना ये तो आज आम प्रोसेस है, इसमें कोई वो बात नहीं है। भाजपा परिवार एक बहुत बड़ा संगठन है और इसका एक विशाल नारा है कि भाजपा में कोई भी नाम नहीं है, ना राहुल कस्वा है, ना देवेंद्र झाझड़िया, ना और कोई है। भाजपा में उम्मीदवार है वो कमल का फूल है और सभी उसके साथ में हैं। राहुल जी कस्वा को जब भी टिकट मिली है तो सब उनके साथ रहे हैं, जी जान से लगे, और पिछली बार भी 3 लाख से ऊपर वोटों से जिताया है। इस बार भी झाझड़े जी को टिकट मिली है तो निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता, सभी संगठन के पदाधिकारी सभी एकजुट हैं। भाजपा परिवार में ऐसी कोई बात नहीं है और सभी बहुत बड़ी मतों से और झाझड़े जी को जिताएंगे। क्या लगता है कि टिकट जो कटी है उसके बाद में किसी तरह का कोई फर्क आएगा? नहीं जी, ऐसा है, हमारा जो भाजपा परिवार है एक संगठित परिवार है तो इसके लिए इसके अंदर ऐसा कोई सोचना नहीं है हमको कि क्या, हम तो सिर्फ कमल का फूल देखते हैं और हमारे यहाँ से हाईकमान से जो भी ऑर्डर आ गया कि इसको टिकट देनी है तो उनका ही है। और 3 लाख से पहले जीत हुई है उनकी तो निश्चित रूप से अब 3 लाख से हमारा जो जीत का मार्जिन है वो बढ़ेगा। यदि राहुल कस्वा कांग्रेस से खड़े हो जाते हैं तो क्या लगता है कि किसी तरह का कोई फर्क पड़ता है चुनाव में? नहीं, जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी के साथ ही रहेगा, हम फूल के साथ रहते हैं। हमको अगर किसी को भी वो टिकट देते हैं हम फूल के लिए काम करते हैं, हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। यदि चूरू की जनता, आम जनता भी थे, कार्यकर्ता थे जिन्होंने बताया कि यदि टिकट कट जाती है, टिकट कटने के बाद में यदि कांग्रेस से खड़े होते हैं या फिर टिकट कटने के बाद में कोई नया उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया तो किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी के नाम पे यहाँ वोट पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार जीत हासिल होगी। विजय चौहान, राजस्थान तक, चूरू।